नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के वाई दीवान सर सी टी एग्जाम आ चुका है सी टी एग्जाम के लिए अगर आप बात करें तैयारी कहाँ से करें कौन सी किताब पढ़े और कौन सी किताब न पढ़े है ना इसके अलावा बात करें कौन सा कंटेंट कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़े इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो पहली बार सी देंगे या पिछली बार नहीं दिया या दिया था स्कोर बहुत कम रह गया है ना तो जिनके साथ से कम या मान लीजिए पचास के इर्द गिर्द स्कोर रहता है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है बाकी बच्चों को पता भी है सबको कि कहाँ से हमें कैसे तैयारी करनी है लेकिन उनके लिए खास तौर पे जिनका स्कोर कम रहता है और जो पहली बार एग्जाम देंगे सी का तो जान लेते हैं सबसे पहले सी का सिलेबस क्या है सिलेबस जानना बहुत जरूरी है अगर आप सिलेबस की बात करें अपने सबसे पहले लगा लीजिए हिंदी हिंदी आएगी भाई आपकी कितने नंबर की जी पंद्रह क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और इंग्लिश के कितने आएंगे जी इंग्लिश की बात करें तो आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल जी इंग्लिश के भी पंद्रह मैथ के कितने आएंगे जी मैथ के और ऊपर छोटा कर ले इसको थोड़ा मैथ के भी आपके क्वेश्चन कितने मिलेंगे पंद्रह रीजनिंग के कितने मिलेंगे जी रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के भी आपके मिलेंगे पंद्रह क्वेश्चन है ना ये हो गए आपके पंद्रह पंद्रह तीस और तीस से साठ साठ तो ये हो गए इसके अलावा हरियाणा जी के पच्चीस नंबर की ये आ गई ठीक है साठ सत्तर अस्सी पिचासी हो गई पंद्रह नंबर का आपका आएगा इंडिया जी के? पिछले सिलेबस की अकॉर्डिंग बात करें इंडिया जी के आपका कितने का है पंद्रह का है इसी में से ही साइंस है इसमें से ही क्या है आपकी साइंस रहेगी पंद्रह में से ही इसी में आपका कंप्यूटर शामिल था ठीक है इसी में कंप्यूटर शामिल था और इसी में आपकी पॉलिटी हो गई जियोग्राफी हो गई हिस्ट्री हो गई इकोनॉमिक्स हो गई ठीक है ये सारी चीज़ें लेकिन हो सकता है इस बार सिलेबस में थोड़ा बदलाव देखने को मिले अब बात कर लेते हैं किसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है सबसे बेस्ट पहले तो आप किताब की बात करेंगे कोर्स की या बात करें यूट्यूब के माध्यम से वो चीज़ बाद में चर्चा करेंगे बुक के बारे में आ जाइए सबसे पहले बात कर लूँ मैं हिंदी की बुक की भाई हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हिंदी के लिए आपको भाई मैं गाइड करूंगा कि आप सोम्या पब्लिकेशन की हिंदी की बुक लेके आए मेरे पास पड़ी भी थी ढूंढने पे मिल भी गई है ना ये है जी सौम्या पब्लिकेशन की बुक ठीक है मैं कसम खा के कहता हूँ एक रुपया भी किसी से नहीं लिया और ये कोस्ट ऐड कर रहा हूं ऐड नहीं है आपको बता रहा हूं ठीक है बिल्कुल ठीक है तो ये सोम्या पब्लिकेशन कहीं कहते हैं जी ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आए होंगे सोम्या पब्लिकेशन किसी बालक से जो तैयारी कर रहा है कोई हिंदी का टीचर भी होगा ना दाएं बाएं आपके कोचिंग में पढ़ाता हुआ कह सोम पब्लिकेशन को जानते हो किताब को वो खुद ही कहते अभी, या उनसे पूछना कि आप बताइए जी कौन सी किताब पढ़े है ना तो सोम्या पब्लिकेशन बुक आती है ठीक है नाम आपका सोम्या पब्लिकेशन रहेगा ये पढ़ सकते हैं भाई ठीक है ये सोम्या पब्लिकेशन हो जाएगा अब बात की जाए इंग्लिश की इंग्लिश की किताब के लिए बताइए इंग्लिश की किताब नीतू मैडम की के डी कैंपस की बुक आती है वॉल्यूम आप खाली क्या लेना वॉल्यूम ही लेना इंग्लिश ग्रामर की लेनी है इंग्लिश ग्रामर की वॉल्यूम बुक लेनी है आपको नीतू मैडम की है ना केडी कैंपस की बोल देना नीतू मैम की इंग्लिश की बुक चाहिए है ना वॉल्यूम वन चाहिए वॉल्यूम वन लेना है आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए आपकी सोम्या पब्लिकेशन बुक होगी ठीक है दोनों बातें अब आ जाइए मैथ पे और रीजनिंग पे ना तो कोई मैथ की बुक लेनी ना कोई रीजनिंग की बुक लेनी ठीक है और ना आपको कहीं से कोई नोट्स लेने की जरूरत है इसकी व्यवस्था मैंने कर दी है ठीक है दिनेश सर ने क्या करा है अपने भाई अपनी जो ऐप है डिवाइन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में मैथ के टॉपिक वाइज जो चैप्टर है अलग अलग है सारे चैप्टर अलग अलग के प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं ठीक है, है? यानी हर एक टॉपिक में से परसेंटेज के 60 से 70 क्वेश्चन है है ना प्रॉफिट लॉस के आपके 60 से 70 क्वेश्चन इस तरह अलग अलग है। वो फ्री में ऐप डिवाइन स्टडी ऐप है भाई वहां जाइए डी आई वी आई एल ई ठीक है डिवाइन स्टडी ऐप डिवाइन स्टडी ऐप पर जाइए आप मैथ के नोट्स फ्री में डाउनलोड कर लीजिए बारी बारी प्रैक्टिस करिए उनकी ठीक है रीजनिंग का भी ऐसा ही किया है रीजनिंग के लिए भी एक अपने पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है वो भी बिल्कुल फ्री है रीजनिंग मैथ दोनों अपने ऐप पर पढ़े हैं कहीं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और रीजनिंग मैथ की अगर बुक भी लेके पढ़ोगे आप तो समझ में नहीं आएगा पहले तो आपको कोई ना कोई यूट्यूब या किसी कोर्स पे पढ़ना होगा उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं यानी कि रीजनिंग मैथ रीजनिंग फिर भी कर लोगे रीजनिंग रीजनिंग वाली बुक से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग के कुछ एक टॉपिक है जो करने होते हैं जैसे घड़ी है कैलेंडर है एक दो कोई टॉपिक और है तो भाई वो वाले टॉपिक लगा लीजिए बाकी तो क्या है आप रीजनिंग कर लेंगे प्रैक्टिस सेट से ही और मैथ के लिए आप जो भी टॉपिक आपको दिखे जैसे परसेंटेज का है यूट्यूब पे जो भी आपको मैथ का टीचर बढ़िया लगे सब अपने सर भी करवाते हैं ट्राई करके देख लेना आपको अगर लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास लगाइए परसेंटेज की क्लास देखी उसके बाद परसेंटेज का आपने क्या खोला टॉपिक खोला और अपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए ठीक है इस तरह करना है तो भाई हिंदी की हो गई सोम्या पब्लिकेशन इंग्लिश की होगी नीतू मैडम की खेडी कैंपस की जो बुक है ठीक है वॉल्यूम वन लेनी है आपको इंग्लिश ग्रामर उसके बाद में मैथ रीजनिंग की आपके अपने ऐप पर व्यवस्था कर दी है डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके कर लेना उसके बाद आती है बात जी हरियाणा जी की बाद में करेंगे सबसे लास्ट में पहले आ जाइए आप इंडिया जी में ठीक है इस बार सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है अब बात करें जी साइंस कहाँ से पढ़े ठीक है सबसे बड़ी बात आती है साइंस कहाँ से करें साइंस तो जी बहुत कुछ

नौवीं व दसवीं की जो एन की बुक है एन की बुक है वो उठाइए पढ़ने में थोड़ी आपको टाइट लगेगी लेकिन आपको डिटो वहाँ से सीधा पर्सन देखने को मिल जाएगा सिर्फ नौवीं दसवीं की साइंस की बुक लानी है ठीक है जितना आपको समझ में आए उतना कर लो भाई ठीक है अगर आप साइंस साइड से हैं तो बात अलग है सारे समझ में आ जाएगा नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे जितना करेंगे वो सॉलिड तो करेंगे एग्जाम में आने लायक तो मिले, आप बात बनेगी इतनी इतनी मोटी साइंस की बुक लेने की अपेक्षा नौवीं दसवीं की बड़ी बुक तो नहीं होगी लेकिन उनमें से आपको मेन मेन चीजें करनी है ठीक है बिल्कुल और आपने कभी ना कभी पढ़ी भी होगी थोड़ा बहुत दिमाग में वो भी याद आएगी हमने ये पुराने समय में पढ़ी थी तो आपको नौवीं दसवीं की बुक पढ़नी है साइंस के लिए खाली ठीक है अब बात करें जी अपना इंडिया जिके में आ जाइए साइंस का हो गया अब आप इसको ऊपर कर देते हैं एक बार देखो भाई इंडिया जीके में सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ने जी पॉलिटी पॉलिटी इंडिया जीके में अगर पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो पॉलिटी के सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं पॉलिटी में आपको टोटली करना है ठीक है अब बुक भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स की बात करें दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हिस्ट्री की बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जियोग्राफी के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा अगर बात करें इन सब का निचोड़ की तो विविध आपको करना जरूरी है अब ये सारी चीजें आपको मार्केट से एक ही बुक लेनी है जिसका नाम सारे जानते हैं क्या नाम रहेगा लूसेंट नाम है भाई ठीक है लूसेंट बुक लीजिए मार्केट से है ना और लूसेंट भी दो तीन टाइप की आती है एक तो ऑब्जेक्टिव आ रही है एक आपके टॉपिक वाइज है थ्योरिकल तो आपको लूसेंट थ्योरी वाली बुक लेनी है उसमें आपको पॉलिटी तो पूरी की पूरी नहीं छोड़नी है उसमें से ठीक है और इकोनॉमिक्स है हिस्ट्री है जियोग्राफी है इनमें आपको क्या है बहुत कम ध्यान देना है इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जी कैसे पता लगेगा वो भी बताऊंगा। मेन आपको ये निचोड़ना है विविध ये पूरा का पूरा करना है पॉलिटी पूरी की पूरी करनी है। ये दो चीज तो हो, अब एक दो क्वेश्चन के लिए पूरी हिस्ट्री पड़े मूर्खता है उससे अच्छा है कि भाई हमने अड़पा सभ्यता पढ़ ली ठीक है हमने जितने भी वंश आए थे भारत में उनके संस्थापक पढ़ लिए कुछ एक ही डेट कर ली इम्पोर्टेंट है वो ठीक है जैसे लगा है, अपना लगा लीजिए कि भाई दिल्ली सल्तनत काल है इसकी स्थापना बारह में हुई इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं मुगल कब से कब तक रहे थे है ना तो अब बात करें इसके अलावा अपने जितने भी युद्ध हुए हैं वो वाले करने हैं हिस्ट्री में अच्छा जो यात्री विदेशी यात्री किसके समय आए वो करना है विदेशी यात्रियों की और भारत के जो कवि है उनकी जो किताबें हैं वो करनी है लेकिन लेना ये चीजें ठीक है अठारह सो की क्रांति करनी है जितने आंदोलन हुए चाहे गांधी का आंदोलन हो या कोई अन्य आंदोलन हो आंदोलन आपको सारे के सारे हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर और जो मेन मेन अधिवेशन है कांग्रेस के हर साल जो होते होते हैं उन अधिवेशन की अध्यक्षता पहली महिला पहली भारतीय महिला इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहला अध्यक्ष कौन था है ना ये मीटिंग कहाँ हुई जिसमें गांधी ने अध्यक्षता करी इस डाल के क्वेश्चन आपको ये करने हैं ठीक है तो हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन आपको बस जो मैंने चीज़ें बताई है ये वाली बाकी चीज़ें हिस्ट्री की आपको विविध में भी देखने को मिल जाएगी है ना अगर बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है इकोनॉमिक्स में बैंकों की स्थापना वगैरह ये चीजें कर लेंगे सारे के सारे है ना और जो चीजें आप लगा लीजिए अपने इकोनॉमिक्स की कोई ना कोई मैराथन क्लास देख लें यूट्यूब अपेक्षा आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर बात क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगी वीडियो देखने से समझ में आएगी ये वाली ज्योग्राफी की बात करें ज्योग्राफी में आपको क्या करना है भाई ज्योग्राफी में आपको नदियां पढ़नी है ठीक है और भारत के पांच भौगोलिक भाग हैं वो वाले पढ़ने हैं डिटेल से ठीक है बस इतना कुछ कर लेना भौगोलिक भाग में बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपकी है झील अच्छा, करनी पड़ेगी है है, आपको ज्योग्राफी में आपको करने वाला है बाकी ज्योग्राफी का सिस्टम विविध में मिल जाएगा ये आप कर लेना सारा का सारा लूसेंट से लूसेंट के लास्ट में विविध है वो जरूर पड़े पॉलिटी जरूर पड़े सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आ गई जी अपने भाई कंप्यूटर की कंप्यूटर पर है कंप्यूटर की कोई भी मिलात्र क्लास उठाइए ठीक है या कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए जो अच्छे से के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित हो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की कंप्यूटर की बुक ले लेंगे और एक आप कंप्यूटर की फ्री ऑफ कॉस्ट या किसी की भी पेड क्लास है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं कंप्यूटर ऐसे करना आपको पड़ेगा अब बात कर लेते हैं हरियाणा जी की हरियाणा जी जो है आपका वो भाई 20 से 22 क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके के होते हैं प्लस में तीन से पांच क्वेश्चन है वो आपके करंट के होते हैं ये तो खाली जीके जीके आएगा हरियाणा का ठीक है और ये हरियाणा का करंट आएगा हरियाणा का करंट अब जी इंडिया करंट बताइए इंडिया करंट में आपको बड़े बड़े पुरस्कार जो हैं है ना जैसे आप लगा लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण कितनों को दिया गया ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक में कितने पदक आए खाली

चौदह क्वेश्चन तो पिछले साल गत वर्षों में पूछे गए वो वाले आ जाएंगे ठीक है आप प्रीवियस क्वेश्चनों के लिए यूट्यूब पर हरी ऑफ कोस्ट जो मैंने क्लास डाल रखी है वो देख सकते हैं और बहुत सारे अपने दोस्त हैं यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने क्या है अपने मेराथन क्लासेस डाल रखी है तो ये वाले चीजें जरूर देखे हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए सितंबर महीने में वो वाले भी हर एक जगह आपको मिल जाएगी तो उनके डिटेल देख लीजिए उनके आसपास के पर्सन देख लीजिए एक तो ईयर क्वेश्चन अच्छा और बात करें टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज ये दो चीज़ें होगी टॉपिक वाइज प्लस प्लस में ईयर क्वेश्चन ये अपनी बुक ले सकते हैं आप हरियाणा की नई सोच हरियाणा की नई सोच इसमें दोनों चीज़ें आपको शामिल मिल जाएगी भाई और अपनी नॉन नॉन स्टॉप कौन सी है ये रियाना करंट से रिलेटेड रहेगी नॉन स्टॉप हरियाणा मैं आपको दोनों की फोटो दिखा देता हूँ ठीक है ये लीजिए दोनों की फोटो ये है ये हरियाणा की नई सोच जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी है और प्लस में इसके अंदर आपके सभी टॉपिक भी दे रखे हैं ठीक है ये वाली मार्केट से लेके छोटी सी बुक है डेढ़ सौ एक पेज की आप मार्केट से आपको मिल जाएगी एक सौ सत्तर अस्सी रुपये की लेके पढ़िए अच्छे से ऑनलाइन डिस्कशन बुक्स में लिंक है ऑर्डर कर सकते हैं और इसके अलावा करंट की ये वाली है नॉन स्टॉप हरियाणा सारा करंट का मैटर मिल जाएगा मात्र चौंसठ पेज की छोटी सी बुक है बड़ी बुक में करंट में कुछ नहीं रखा छोटी सी बुक है बारी बारी इसको क्या है दो तीन बार पढ़ लीजिए जो चीज़ पढ़ो एक चीज़ याद करना हमेशा जीके में या जो चीज़ पढ़ो आप जीके के अंदर पढ़ो साइंस में पढ़ो है ना उनके अंदर आप आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए हाईलाइट कर लीजिए येलो कर लेंगे येलो हाईलाइटर ले, ले लेना बाद में जब आपका एग्जाम आएगा या जब आपको रिविजन करना होगा वो चीज़ पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट थी ये मुझे कम याद हो रही थी और पता लग जाता है कि ये पढ़ने पर यार ये प्रश्न में भूल ठीक है ऐसी चीजें ये प्रश्न नहीं बोलूंगा मेरे ये प्रश्न पहले भी सुना हुआ है इर्द गिर्द का तो इस टाइप की चीजें जो आपको लगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए तो ये बुक हो गई एक बार रिपीट कर देता हूं हिंदी की हिमांशी बुक लेनी है आपको ठीक है हो जाएगी इंग्लिश की अपने सॉरी हिंदी की हिमांशी नहीं सौम्या पब्लिकेशन भी सौम्या की लेनी है ठीक है हिमांशी अपनी भी आती है एक बुक है नाम निकल गया से तो हिमांशी अपनी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ठीक है इसीलिए मैंने नहीं बताया हिमांसी बुकें सारी अपनी लग चुकी है और उसके बाद में आपने नई प्रिंट नहीं करवाई ठीक है तो सौम्या पब्लिकेशन ले लें ले ले आप किसकी भाई हिंदी की के कैंपस की नीतू मैडम की बुक ले लें वॉल्यूम वन इंग्लिश ग्रामर नाम से मिलेगी वो वाली ले लें ठीक है इसके अलावा मैथ रीजनिंग के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप पर है नोट्स डाले गए हैं वो डाउनलोड कर लीजिए है ना और मैंने आपको इंडिया जीके के लिए बता दिया आपने लूसेंट वाली बुक लूसेंट में साइंस भी मिल जाएगी भाई अगर किसी को लगे कि भाई मैं तो एन नहीं पढ़ पाता और एनसीआर मुश्किल है पढ़नी भी थोड़ी बहुत मानते हैं और मेरी तो बिल्कुल जीरो है साइंस ठीक है तो आप क्या करेंगे लूसेंट में भी साइंस है खाली वो वो जरूर पढ़े लूसेंट वाली साइंस भी पढ़ ले ना बिल्कुल इसके अलावा बात करें आप तो हरियाणा जीके की करंट और दोनों बुकें बता दादी मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट नहीं छुटा होगा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आप अब बात करें कोर्सेज की कोर्सेज में आ सकते हैं जैसे भाई अपना जैसे डिवाइन स्टडी ऐप है ठीक है डी आई वी आई एन ई ठीक है डिवाइन स्टडी ऐप आपको मैथ का है रीजनिंग है कुछ टॉपिक है ठीक है और जीके के भी लगा लीजिए पढ़ाने का और पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग अलग है भाई ठीक है ये सारी चीज़ें अगर आपको कंप्यूटर भी करना है सारे सब्जेक्ट करने हैं डिवान स्टडी ऐप पे जाइए ग्यारह सौ रुपये का कोर्स चीज है इसमें आपको क्या है दिवाली पर आपको ऑफर दिया गया था आपको क्या करना है दीवान चालीस कूपन कोड लगाना है चालीस परसेंट आपका डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स सात सौ साढ़े सात सौ रुपये में आपका पड़ेगा टोटली सारे के सारे सब्जेक्ट शामिल है आप डेमो लगा लीजिए है ना पहले ऐप के अंदर जाके वहाँ फ्री में भी वीडियो डाल रखी है वो आपको अच्छी लगे वही टीचर्स पूरा आपका सिलेबस करवाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं इसके अलावा आप हमारी अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं दीवान अकेडमी ऋषि नगर इशार में है और ऋषि नगरी सार में आप आइए तीन दिन डेमो लगाइए तीन दिन डेमो लगाने के बाद आप एडमिशन लीजिए डे नाइट क्लासेज है पी सिस्टम भी अवेलेबल है नया बैच सोमवार से चार तारीख से शुरू हो रहा है चार तारीख से सोमवार से चार नवम्बर से मैं बात कर रहा हूँ ठीक है और ये दिवाली से ही ऑफर दिया गया चालीस परसेंट अभी तक वही ऐप पर चल रहा है ऐप अपनी डिवाइस स्टडी ऑनलाइन पढ़ लीजिए अगर आपके कोचिंग की हुई है पहले की तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश है कोचिंग आपके भाई बहन को या किसी को पहली बार करनी है तो भी मैं तो कहूंगा अपनी एकेडमी नहीं चाहे आपके नजदीक में कोई भी कोचिंग सेंटर हो कोचिंग सेंटर में क्या होगा पाँच घंटे बैठने का सिटिंग प्लान होगा अपने डे नाइट में आठ नौ घंटे हो जाएगा लेकिन पाँच घंटे तो हर एक कोचिंग सेंटर में सिटिंग प्लान होता है पाँच घंटे बच्चा वहाँ पढ़ेगा उसके बाद में उस चीज़ को घर पे जाकर रिवाइज़ करेगा है ना तो उसका टाइमिंग है जो पढ़ने का वो आठ से नौ घंटे हो जाएगा और डेली आठ से नौ घंटे बहुत होती है कहीं कहते है, मैं पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ता हूँ भाई इतना पढ़ना भी अच्छा नहीं है ठीक है दिमाग पे लोड ज्यादा पड़ जो जितने ज्यादा पढ़ते हैं ना वो देखना किस टाइप के आदमी होते हैं वो एक तो हर एक पर्सन पे जिद्दी करने वाले होते हैं ठीक है और जो नॉर्मली जिसको पता है भाई हाँ चार पाँच घंटे समाज स्टडी कर ली वो एक तो माथा पच्ची नहीं करेगा एक दूसरे से ठीक है और ना वो अड़ियल बनेगा ठीक है अड़ियल कौन होगा अड़ियल वो होगा जो ज़्यादा टाइम तक तो पढ़ता है और डिटेल में चला जाता है पूरी गहराई में ठीक है गहराई में जाने के बाद जब पर्सन ऊपर किया जाए तो उसकी हो जाती है छुट्टी ठीक है अपना एक दोस्त था बोले कि हरियाणा जी भी डीपली जा जा के सारी चीजें मतलब डीपली जब उससे पूछा गया कि हरियाणा में मंडल क्या है उसके दिमाग में एकदम मंडल ही निकल गया वो डिवीजन कितने हैं ठीक है रियल कहानी है ये ठीक है तो इस तरह की चीजें कई बार आपके साथ भी देखने को मिली होगी तो आप पहले ऊपर की चीजें जरूर पढ़िए अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना है आपको ये समझना है कि मैं पहले ऊपर से लेकर जो नॉर्मल चीज़ें हैं फिर अंदर की तक गहराई तक जाऊंगा तो धन्यवाद सभी को मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम नमस्ते बहुत ही जल्द करंट अफेयर की आपके सामने मैरातन क्लास भी लेके आऊँगा तब तक के लिए राम राम नमस्ते